भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चाचा नेहरू के नाम से मशहूर पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम तो आप सबने सुना होगा। देश के पहले प्रधानमंत्री थे और बच्चों के बीच चाचा के नाम से मशहूर थे। आजकल उन्हीं चाचा नेहरू का खानदान अपनी सियासत के सबसे निचले पायदान पर खड़े होकर देश के सामने अपने संस्कारों का सबूत दे रही है। जो बच्चे नेहरू को चाचा कहते थे, उनके जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। आज वैसे ही मासूम बच्चों से उनकी पार्टी के नेता प्रचार में गाली गलौच करवाने पर उतारू है। वैसे इस देश का संस्कार तो ऐसा नहीं है। अब तक आपने सुना भी होगा कि भारत संस्कारों वाला देश है। आपने देखा भी होगा सिनेमा में, सर्कस में, साथ ही साथ तमाम सामाजिक सरोकार वाले विषयों में कि भारत किस तरीके का तहजीब और तमीज वाला देश रहा है। हर जगह भारत को एक सांस्कारिक देश के रूप में दिखाया भी गया है। भारत की जो सामाजिक पहचान है, उस पहचान में भी संस्कारों का बहुत महत्व है। ऐसे संस्कारों से ही हम अपने देश के बच्चों को नवाजते हैं ताकि आगे चलकर देश का नाम रोशन करें। लेकिन इस देश पर लंबे वक्त तक राज करने वाली पार्टी आज के इस दौर में ऐसी सियासत को अपनाने पर लगी है जिसे ये देश कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी से बहुत उम्मीदें हैं। कहते हैं प्रियंका गांधी काफी पढ़ी लिखी हैं, राजनीति को समझती हैं, संगठन को मजबूत करना जानती हैं, वगैरह वगैरह। हो सकता है उनकी डिग्री भी दिल्ली के किसी अच्छे स्कूल से हो, राजनीतिक समझ भी अच्छी हो, लेकिन संस्कार के नाम पर उनके पास क्या है, इस बात को वो अच्छे से बता चुकी हैं। ये वीडियो जमकर शेयर हो रहा है। लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं ये लिखते हुए कि मोबाइल का साउंड कम करके ही देखना। इस वीडियो में संस्कार की ऐसी धज्जियां उड़ाई गई हैं कि इसे अब साउंड करके हम भी आपको नहीं सुना सकते। पता नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी अभी ज्यादा बेचैन हो, लेकिन कांग्रेस अपनी बेचैनी की कीमत हमारे संस्कारों को बेच कर चुकाएगी, ये किसी को नहीं मालूम था। देश के संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के लिए गली मोहल्ले के बच्चों से नारे लगवाना गर्त में जा रही कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी को दर्शाने के लिए काफी है। इसी के साथ ये भी मालूम हो चला देश के लोगों को कि कांग्रेस के विचारों का अंतिम संस्कार किस तरीके से होने लगा है। जिस देश में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने की अच्छी कोशिश की जा रही है, बच्चों को स्लेट, कॉपी, कलम से नाता जोड़ने की कोशिश हो रही है, कांग्रेस पार्टी उन मासूमों के हाथों में अपनी पार्टी का झंडा थमाकर प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगवा रही है। और शर्म की बात तो यह है कि ये वही नारा है जिसे लेकर प्रियंका के भाई और प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैन राहुल गांधी को कोर्ट ने खूब फटकार लगाई और उसके बाद से वो माफी मांगते फिर रहे हैं। बहुत आसान है चुनाव के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर लेना, लेकिन यही बच्चे जब बड़े होंगे तो उन्हें समझ आएगी कि उनसे कांग्रेस के कुछ तुच्छ मानसिकता के नेताओं ने क्या करवाया था। इसका खामियाजा भी एक दिन कांग्रेस को ही चुकाना होगा। जैसे नेहरू की सियासत से खफा देश का एक बड़ा वर्ग आज कांग्रेस के खिलाफ खड़ा है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया के सामने विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ संस्कारों के मूल्य को खत्म करने की साजिश चल रही है। अफसोस है लेकिन सच है, इसे खत्म करने की साजिश देश की सबसे पुरानी पार्टी कर रही है। देश में चुनाव तो हर 5 साल में होगा, लेकिन संस्कारों की जड़ पर जिस तरीके से कुल्हाड़ी चलाई जा रही है उसकी भरपाई करने में हम सबको सालों लग जाएंगे। अब आपको ही तय करना है। वैसे ये सच है कि कांग्रेस की सियासत को बढ़ावा देकर हम सिर्फ अपने संस्कारों को खत्म करेंगे और कुछ नहीं। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष में दुनिया में भारत के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने में इस चौकीदार ने कोई कसर नहीं छोड़ी।
पूरी निष्ठा से काम किया, श्रम किया और मैंने एक बार लाल किले से कहा था, देशवासियों से कहा था कि अगर आप 11 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे काम करूंगा, अगर आप 13 घंटे काम करेंगे तो मैं 14 घंटा काम करूंगा। जयपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या मैंने मेरा वादा निभाया? मैंने मेहनत करने में कोई कमी रखी है? आपको जैसा मैंने कहा था वैसा ही करने के लिए मैंने पूरी कोशिश की है। मैं राजस्थान की कसौटी पर खरा उतर रहा हूं। याद करिए, 2014 से पहले देश में क्या चर्चा होती थी, घरों के ड्राइंग रूम में, किचन में, ऑफिस में, लंच के दौरान, बसों में क्या बातें होती थी। और यह याद करना बहुत जरूरी है, मुझे लाने से पहले भारत में जो रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी उस समय क्या हाल था, उस समय आपकी चर्चाएं क्या थी, ये आपको याद करना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग मिलकर के चर्चा नहीं करते थे कि आए दिन बम धमाके होते हैं, इंसान की जान की कद्र कब होगी, ये बात होती थी कि नहीं होती थी? मैं यहां भाषण देने नहीं आया हूं, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आप मुझे बताइए, मैं जो बोल रहा हूं वो चर्चा होती थी कि नहीं होती थी? लोग कहते थे छोटे छोटे देश कार्रवाई करते हैं, भारत कब जागेगा, ये बात होती थी कि नहीं होती थी? ये जो घोटाला हुआ है, ये वाला कितने लाख का हुआ है, कितना करोड़ का हुआ है, इस घोटाले में कौन कौन से नेता और उसका बेटा बेटी कौन किसकी शामिल है, हर साल देश में कोई न कोई नया घोटाला क्यों हो रहा है, ये बात होती थी कि नहीं होती थी? जुबां पे इसकी चर्चा थी कि नहीं थी? महंगाई इतनी क्यों है, महंगाई डायन है कि खाए जात है, क्या सारा टैक्स हम ही से वसूल लेगी क्या सरकार, मिडिल क्लास की सरकार को तो परवाह ही नहीं है। साथियों, ये सवाल आप लोगों के बीच में चलते थे कि नहीं चलते थे? 5 साल पहले आप ये बातें करते थे कि नहीं करते थे? वो घोर निराशा के दिन थे, आशा की किरण तक दिखती नहीं थी। लेकिन आज भाजपा की सरकार में, देश में किन बातों की चर्चा होती है, क्या सवाल उठते हैं, 14 की तुलना में याद करना होगा आपको। आज भी ड्राइंग रूम में, बस में, रेल में, दुकान में, ऑफिस में बातें आज भी होती है, देश और दुनिया की होती है। तब क्या होता था, आज क्या होता है? आज चर्चा ये होती है कि उस शहर में 6 लाइन का हाईवे बन गया, हमारे शहर में कब बनेगा?
ऐसी बात होती है कि नहीं होती है? उस जिले में मेडिकल कॉलेज इतना अच्छा हो गया, हमारे जिले में कब होगा? ये बात होती है कि नहीं होती है? वो शहर तो एयर कनेक्टिविटी से जुड़ गया, हमारा शहर कब जुड़ेगा? ये बात होती है कि नहीं होती है? उस शहर में तो उड़ान योजना के तहत फ्लाइटें भी आने लग पड़ी, हमारे शहर में ऐसा कब होगा? उस शहर का रेलवे स्टेशन तो इतना शानदार हो गया है, हमारे शहर का कब होगा? उस शहर के लिए तो नई नई ट्रेनें जाती हैं, क्या शानदार कोच होते हैं, लेकिन हमारे शहर एसी ट्रेन कब आएगी? उसे तो पीएम आवास के तहत घर मिल गया, हमें क्या अगले 8-10 महीने में मिल जाएगा क्या? मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं, इन सारे सवालों में शिकायत नहीं है, विश्वास का भाव होता है, ये भरोसा होता है कि कुछ दिन के इंतजार के बाद ही सही मोदी हमारे लिए भी करेगा।